खबर लोकसभा सहारनपुर की सीट को लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे कई राजनीतिक दिग्गजों ने मीडिया में कही अनकही बातें। आपको बता दें, बसपा से प्रत्याशी माजिद अली कलेक्ट्रेट सभागार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां माजिद अली मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों से बचते दिखे। बसपा प्रत्याशी माजिद अली ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव जीते तो जनता की समस्याओं का निस्तारण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। लोकसभा में जनता के हक को छीनकर जनता में ही बांटने का कार्य करेंगे। आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, हमारी प्राथमिकता यही है कि हम सर्व समाज को भाईचारे के साथ काम करेंगे और सबका सहयोग अब भी लेंगे। चुनाव के बाद सबको बदले में उन्हें हक इंसाफ देंगे, ताकि उनका कोई उठा कर सके, उन्हें कोई सता ना सके और उन पे कोई जुल्म ज्यादती ना कर सके। यही हमारा काम होगा सबसे पहले कि सहारनपुर की पूरी आवाम प्यार मोहब्बत के साथ रहे एक दूसरे के साथ, और विकास के लिए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकसभा में जाके इनका हक वहाँ से छीन के लाए और इनको दिलाए जो इनका हक बनता है। सारा चुनाव लड़ गए, अरे अरे भाई भाई, वहाँ वोट ही नहीं है। मुस्लिम समाज इतना समझदार है, ये अपना वोट क्यों खराब करे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।